हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का अन अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है आ जाओ जल्दी जल्दी इससे आ जाइए बट कम जल्दी से आ जाइए आवाज वगैरह आ रही ना चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं नहीं बिल्कुल होगी डमी uh, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और हमारे है ना क्लास में अगर आप चा, आना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं इसको सेट स्कॉलरशिप टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो कल है ये और उसमें आप अगर टॉप फिफ्टीन रैंक में आते हैं तो आपको 20, आपको फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिलता है आप देख सकते हैं ठीक है और ये एनालिसिस जो है मनीष सर के द्वारा कराई जा, जाने वाली है यहाँ सिक्सटी सेवन प्रीलिम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके लिए जो सड्यूलिंग है आपको दिखाई दे रहा होगा इसी तरह से टारगेट वन टेन प्लस का जो हमारा बीपीएससी प्रीलिम फ्री टेस्ट सीरीज है उसकी भी खैर यहां पर भी ये हमने कंप्लीट कर लिया है तो बिहार एस SI के लिए भी मेन्स फ्री टेस्ट सीरीज चलाई गई और डेली जो मेगा डेली ट्वेंटी ट्वेंटी जो टेस्ट सीरीज होती है वो बारह बजे उसको जरूर आप दिया करिए इसमें एक से तीन रैंक वाले को मिलते ट्वेंटी फाइव परसेंट और साथ ही बिहार स्पेशल से संबंधित जो टेस्ट हो रहे हैं उसका एनालिसिस अब मेनू सर के द्वारा कराया जा रहा है इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी का जो टेस्ट हो रहा है उसका जो है डीके सर के द्वारा कराया जा रहा है और ये अभी प्राइस हाइक होने वाली है तो आप इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें ठीक है तो आप एडमिशन ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस फीचर की बात करें तो आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं लिमिटेड एक्सेस टॉप एजुकेट से पढ़ने का मौका एग्जॉटिव कवरेज ऑफ सिलेबस कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन लाइव टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग सेशन स्टडी मटेरियल्स मेंटरशिप एंड गाइडेंस ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं और बिहार का जो पुलिस एग्जाम है उसको भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जो बैच जो कोर्स है विजय बीपीएससी आप देख सकते हैं फरवरी तेईस को शुरू हुआ है ये बीजेपी -बी पी का तो आप चाहे तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स है और ये सारे टॉप एजुकेटर्स इसको कवर करने वाले इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना तो आपको प्रीलिम्स मेंस एसआई सीडीपीओ ये सारी चीजें मिल जाती हैं और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आप ऑप्शनल भी आपको मिल जाता है यानी इसी में आपको ऑप्शनल भी मिल जाता है तो आप ऑप्शनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इसमें और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दो साल का एक साल का या छः महीने का तो आप इसका यूज करें और अपना काम करें ठीक है तो इस तरीके से और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करना चाहूँ सब्सक्रिप्शन तो इसका मतलब होता है कि आप बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों को कवर कर सकते हैं अगर दो साल की बात करें तो मात्र जो है अठारह हजार पांच सौ बीस का और एक साल का बारह हजार दो सौ रुपए का तो आप दोनों में से कोई भी ले के यूज़ कर, यूज कर सकते हैं कर देते हैं। ओके? ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं हम, हम लोगों ने काफी कहां तक पढ़ लिया था आइए हम लोग देखते हैं हमने आज शुरू करना है हम लोगों को कार्डेटा का है ना कार्डेटा की बात करते हैं हम लोग बाकी सब पढ़ लिए थे हम लोगों ने यस कार्डेटा बस बचा है और आज हम लोग कार्डेटा को पढ़ लेते हैं भी हो गया था, कार्डेटा भी हो गया था और आज से शुरू हो रहा है सबसे है ना मेन और सबसे एडवांस अगर देखा जाए तो सबसे एडवांस यही है कार्डेटा तो आज हम लोग जो है कार्डेटा संघ को पढ़ेंगे और ये अंतिम संघ है इसी को आपको पढ़ना है क्योंकि इसमें सारे एडवांस जितने भी जीव जंतु हैं हालांकि जंतु की बात करेंगे यहां पर जितने भी जंतु हैं जो एडवांस जो कि सारे लेवल जो इसमें आपको मिल जाता है यहां पर यानी भी बन जाती है यहां पर आप देख सकते हैं एडवांस में सबसे ज्यादा एडवांस है ना तो इसी को हम लोग देखेंगे तो फाइलम कार्डेटा कसूरी की कसेरुकी संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु Mean, देखो ध्यान से पृष्ठ रज्जु यानी जब हम कार्डेटा की बात कर रहे हैं तो यानी यहां पर तीन चीजें मुख्य ध्यान रखना एक तो रज्जु है रज्जु का मतलब आप यहां पर देख सकते हैं notocard, है ना फाइलम कार्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ अ नोटो कार्ड जो पृष्ठ है अ डॉर्सल होलो नर्व कार्ड ये नर्व कार्ड एंड पेयर्ड आप देख रहे हैं फेरेंजियल गिल्स ये इन चीजों को आपको यहां पर देखना है कसेरू के संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत लक्षण हैं एक तो बैकबोन आप कह लीजिए जो है पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र ये पाए जाते हैं ये सब पूर्ण है ना क्या होते हैं द्विपार्शता सममित होती है बायलेटरली सारे के सारे बायोलेटरली हैं अब यहां पर आपको सारे बायोलेटर मिलेंगे हाँ कोई बात नहीं क्लियर ना त्रिक कोर की यानी ट्रिप्लो ब्लास्टिक और सारे सिलोमेट होते हैं और अब अंग तंत्र का स्तर तो खैर ये तो पहले से ही आ रहा है लेकिन फिर भी हम ये समझ गए कि बायोलटी है ना सिमेट्रिकल ट्रिप्लो ब्लास्टिक सिलोमेट और ऑर्गन और सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ये बातें तो हम पहले से ही जानते ठीक है ना यहां पर ये देखे तो मेरुदंड ये जो पीछे वाला है पहले इस तरीके का मेरुदंड होगा एकदम पूरा का पूरा एक लंबा सा पूरा एकदम है ना जैसे डंडे की तरह आपको दिखाई दे रहा है यह है नोटो कार्ड ठीक है और इस तरह से ये क्लोम छिद्र दिखेंगे ये तीन चीजें इसकी क्या है मेन है और पृष्ठ रज देख रहे हैं ना हाँ ये, ये तीन चीजें इसमें मेन है यानी आप यहां देखें नर्व कार्ड भी है नोटोकार्ड भी है और गिल्स भी गिल्सलिट ये तीन चीजें अगर हैं कोई किसी में चाहे वो जली हो चाहे जो भी हो वो सारे के सारे कार्डेट में आ जाएंगे यही तीन इसकी क्या है मेन है समझ में आना तीन मेन यही है इसमें ये होगा ही होगा एक किसी न किसी फेज में यानी कहने का मतलब है कि उसके भ्रूण अवस्था से लेकर के जीवन की अवस्था के किसी न किसी फेज में ये जरूर होगा ओके तो यहां पर याद रखना क्लियर इसमें गुदा पश्च पुक्ष तथा बंद परिसंचरण है ना दे पजेज अ पोस्ट एनल यानी पश्च्य में जो होता है ये, ये बोलते हैं ना यानी पीछे की तरफ पश्च गुदा होती है टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी होता है आप समझते हैं कि पूछ भी होती है बंद सर्कुलेशन भी होता है ये सारी की सारी चीजें होती हैं आप देख सकते हैं यहां पर पूछ के पास आगे आ, बहुत आगे अगर जाएंगे तो ये इसकी तुलना भी शारिणी में दी गई है खाली यहां पर हम लोगों ने नहीं देखा तो यहां पर हम देखेंगे तो कशेरकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है ध्यान रखिएगा अगर पृष्ठरज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है वयस्क अवस्था में पृष्ठरजु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती मतलब समझ गए जो फाइलम का डेटा है अच्छा हमने कहीं दूसरा लिख दिया क्या ये चलो अच्छा इसको देख लो वो अलग है फाइलम कार्डेटा डिवाइड इन सब फाइलम यहां पर यूरोडेटा है ना ट्यूनिकाटा या और सिफेलो कार्डेटा एंड वर्टिब ठीक है तीन में है यूरोडेटा या इसको ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं सिफेलो एंड वर्टिबरेटा इनको तीन सब फाइलम में बांटा गया है सब फाइलम फायरोटा एंड आर सिफेलोडेटा रेफर टू एज अ प्रोटोकॉर्डेट्स में जो प्रोटो है वो ये है एंड और ये सारे के सारे वही जो जलीय जीव हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं यूरोडेटा और है क्या बोलते है हैं सिफेलो कार्डेटा तो यूरोडेटा और सिफेलो कार्डेटा वही मछलियां वगैरह की बात हो रही है बाकी वर्टिब्रेटा जो होते हैं वो सबसे एडवांस में भी एडवांस यही है हा तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये कहा इसमें नहीं लिखा रहा है इसमें देखता हूं यहां पर जैसे ये वाला ये आपको दिख रहा है वही जो अभी बताया था इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से दिख तो रहा है हा इतना साफ बहुत है देख लो ये इसको सिर्फ सीधे से कट करके यहां पर पेस्ट किया गया ना तो ये उतना क्लियर नहीं यानी यहां पर कार्डेटा और नॉन कार्डेटा की बात कर रहे हैं यहां पर देखिए कार्डेटा और नॉन कार्डेटा यानी इसमें नोटो कार्ड प्रेजेंट होगा शुरू में आप देखिए इसमें नोटो कार्ड प्रेजेंट है और उसमें नोटो कार्ड अपसेंट वही नोटो कार्ड जो आगे चल के क्या बनाता है आपकी हाँ, रीढ़ की हड्डी जो बनाता है वो यही ये यह भ्रूण अवस्था की बात हो रही ना ये जो भी चीजें बात होती है कि वो भ्रूण अवस्था में ये पाई जाएगी जो आगे चल के है ना फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल इसमें जो होती है एक जो होती है जिसको आप मेरु रज्जु बोलते हो मेरू रज स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज

आपने देखा था ढेर के उसी में माउथ है उसी में ये है तो कुछ में है कुछ में नहीं है हिंदी में अगर यही देखें तो पृष्ठरथ जो उपस्थित है यानी बिल्कुल इसमें है उसमें नहीं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोखला होगा और एक ही होगा आप देखें पूरा ब्रेन ग्रसनी में क्लोम छिद्र होते हैं उसमें क्लोम छिद्र अनुपस्थित है हृदय अधर भाग में होता है पुच्छ उपस्थित होती सब ये सारी बातें आपको यहां पर समझने को मिली होंगी अभी सब क्लियर हो जाएगा ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं कौन से यूरोकार्डेटा वाले और ये वाले देखिए दोनों यूरोकार्डेटा और कौन सा सिफेलो कार्डेटा यूरोकार्डेटा और सिफेलो कार्डेटा ये दोनों जो होते हैं ये दोनों समुद्री हैं है ना मछलियां जो होती हैं वो ये हैं और मछलियों के साथ में भी और भेटे सारे हैं देखिए यूरोकार्डेटा में पृष्ठ रथ जो केवल लार्वा की पूछ में पाया जाता है देख रहे हैं ना पर पृष्ठ जो रज्जु जो है यानी जो शुरुआत शुरुआत आप देखेंगे यहां पर इन प्रेजेंट ओनली इन टेल। जब लार्वा स्टेज में होते हैं तो उसके मैंने कहा कभी ना कभी यह नोटोकार्ड पाया जाना चाहिए तो यहां पर कहां पर पाया जा रहा है लार्वा स्टेज में पाया जा रहा है लार्वा स्टेज में वाइल एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन लेकिन जैसे सिफेलो क्वारेट सिफेलो का मतलब मैंने आपको बताया था मतलब है ब्रेन यानी ये जो ब्रेन होता है उसको मतलब बोलते हैं हम पूरा नोटो कार्ड, यानी यहां से सिर से लेकर के पूरे पूछ तक होगी देख रहे फ्रॉम द हेड टू टेल रीजन यानी कहने का मतलब जबकि सिफेलो कॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु प्रिष्ट रज्जु का जब भी बात करें तो आप रीढ़ की हड्डी को समझना और अभी ये रीढ़ की हड्डी जो छोटे छोटे कसेर को विबरी में नहीं बटी हुई है जैसे हमारी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक डंडी की तरह थोड़ी है ये छोटे 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 वो भागों में बटी हुई है जिसके एक भाग को हम वर्टिब्री बोलते तभी तो वर्टिब्रेटा है इन सब में अभी वर्टिब्रेटा नहीं है है ना ये कार्डेटा तो है इसमें रीढ़ की हड्डी तो है लेकिन एक डंडे की तरह पाई जाती है रीढ़ की हड्डी जैसे कुछ मछलियां आप अगर जानते होंगे तो आप देखते हैं कि उसमें कांटे कम होते हैं एक बड़ी सी एक कांटा होता है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है एक सीधे सीधे उसमें हड्डियां जो है अलग अलग नहीं होती है। समझ हैं समझ पा रहे हो कि नहीं मैं जो बताना चाहता हूं हाँ जो खैर मछली खाने वाले जो हैं वो जानते होंगे और नहीं भी खाने वाले हैं तो उसको जानना है क्योंकि तो आप पढ़ रहे हैं कि बोलेंगे सर नहीं हम हम तो नहीं खाना जानते हम नहीं जानते तो, अरे तो भाई पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी बोलो पढ़, पढ़ना तो पड़ेगा ना कि आप बोल देंगे नहीं सर हम तो जानते ही नहीं हम तो खाते ही नहीं अच्छा तो जो शराब पिएगा वही शराब के बारे में जानेगा जो अंतरिक्ष में जाएगा वही अंतरिक्ष की बातों को जानेगा बोलो जो खोज कर अरे तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको तो सब जानना है ना ये सब कभी भी एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए कि नहीं सर मैं तो कभी खाया नहीं हूं मैं अरे तो तो क्या आपको लगता है मैं पूरा लेकर के खाता रहता हूं लेकिन बेटा उसको जानना होगा कि कौन सी क्या पार्ट होती है तो ये इस तरह से तो ठीक है ये ढेर सारे होते हैं आप समझ जाएंगे जबकि सिफेलोकार्डेट में पृष्ठ रज्जु से पूछ तक फैली होती है जो कि जीवन के अंत तक बनी और इसमें अंत तक बनी रहती है लेकिन जो यूरोकार्डेटा में उस वो लार्वल स्टेज के पूछ में पाया जाता है और जब जैसे वयस्क में आते हैं लार्वा से वयस्क में आते हैं खत्म हो जाती है हाँ पता होना चाहिए बिल्कुल हम्म उदाहरण यूरोकार्डेटा जैसे एसीडिया सेल्फा डोलियोसम है ना सिफेलोकार्डेटा में बैंक्योस्टोमा स्टोमा, इसको बोलते हैं एम्पी ऑक्सस या लैंसलेट ये सब ढेर सारे समुद्री जीव हैं, ठीक है ना वो सब इस तरह से बात क्लियर इन बातों को आपको समझना है तो इन यानी हम यहां पर दो देखे यूरोकॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा अब आगे कशेर यहां पर आप देखेंगे द मेंबर ऑफ द सब फाइलम वर्टिब और कशेर की रज्जुकी भी है का भी किंतु सभी याद रखना अब पर ये क्या बोल रहा है नोटोकार्ड अब यहां पर देखिए वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं अभी वर्टिब्रेटा हमने यूरोकॉर्डेटा और के बाद वर्टिब्रेटा तीन सब फाइलम है ना तो सब वर्टिब्रेटा की बात करने कर लेकर इसमें अभी नहीं देखिए अभी इसको हम देखते कसेरुकी रजुकी भी है कि तू हां ये इसका दिया हुआ है क्योंकि इंग्लिश में थोड़े से ना ज्यादा पैरा होते हैं कंपेरेटिवली हिंदी के हाँ कभी कभी आपको मिल जाएगा कि कुछ मोइन पॉइंट होते हैं तो द द मेंबर मेंबर्स ऑफ सब फाइलम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं तो ये होता है द नोटो कार्ड इज रेप्लेस्ड द दस ऑफ बोनी कॉलम इन द एडल्ट यानी जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में यही जो होता है वर्टिबरी कलम यानी रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट होता है अच्छा किसी में कॉर्टिलेजिनस होता है जैसे मछलियों में मैंने आपको क्या मछलियों में ना हो सकता है कि ये कॉर्टिलेजिनस हो यानी वो उपास्थियों का बना हो किसका बना हो उपास्थियों का लेकिन यहां पर हम लोगों में तो हड्डियों का बना होता है लेकिन कुछ जीव में चूंकि अब वो एम्फीब पीसेस भी क्या है वो भी तो वर्टिब्रेट्स में आएंगे ना तो यहां पर देखेंगे तो ये देखिए रज्जुकी भी होते हैं किंतु सभी रज्जुकी की नहीं होते यानि कहने का मतलब ये कि द, द, all vertebrates are cardates, यानि सारे वर्टिब्रेट यानी सब में जो इसमें वर्टिब्रेट पाया जाता है सब कार्डेटा है बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट लेकिन ऐसा नहीं कि सारे कार्डेट्स जो हैं वर्टिब्रेट्स हों अरे भाई ये तो पता ही है क्योंकि यूरोकार्ड और सिफेलो कार्डेटा तो कार्डेटा तो वो हैं लेकिन वो वर्टिब्रेटा तो नहीं है ये तो सिंपल सी बात है इसमें कोई समझने वाली तो बात ही नहीं है क्योंकि सब फाइलम उसका अलग है इसका अलग है लेकिन वो भी कार डेटा है तो यहां पर ध्यान यह रखना है रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कसेरुकी में दो तीन अथवा चार प्रकोष्ठ वाला दो यहां देखिए दो तीन अथवा चार प्रकोष्ठ वाला पेशी अधर हृदय होता है यानी अधर हृदय होता है ब्रिक उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं यहां पर देखिए तथा पंख या पंख या लिम्स यानी अंग होते हैं पैर उपांग होते हैं यहां पर ये ध्यान दीजिए बिसाइड द बेसिक कार्डेट्स कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हार्ट विथ टू थ्री और फोर चैम्बर किडनी फॉर द एक्सक्रेशन एंड आर्समो रिग्लेसन एंड पेयर्ड अपेंडेज विच मे बी फिंस और यानी पंख के रूप में इसमें क्या हो गया उपांग होंगे जो कि जोड़े में होंगे पैर भी कुछ में पंख होगा कुछ में फिंस होंगे फिंस मतलब वो भी जो मछलियों में पाए जाते हैं वो क्लियर ना तो इतनी बातें आपको समझनी है एसी, ना? एसीडिया है। साइक्लोस्टोमेटा, अब क्लास क्लास में ये बांट दिया गया है फाइलम को क्लास में साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि अब यहां पर देखेंगे देर सारे हैं हालांकि साइक्लोस्टोमेटा से आपका कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है है ना तो इसका आपको बिल्कुल नहीं पड़ता है हां कॉन्ड्रिकीज में भी एक कॉन्ड्रिक तो इसमें भी आपका बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन एक बार थोड़ा सा ये भी मछलियां ही हैं लेकिन मछलियों का ये थोड़ा सा अलग रूप है तो थोड़ा सा हम लोग मछलियों को थोड़ा सा देख एक्स का मतलब जब भी होता है ना एक्स एक्स का मतलब होता है जो मछलियों से जुड़ा होता है तो कांड यहां पर लिखा है कांड कांड यानी इसका यह मतलब होगा कि यहां पर जो स्केलेटन होगी मैंने आपको बताया था कि अगर याद हो आपको तो कार्टिलेज कार्टिलेज में कार्टिलेज की जो कोशिकाएं है होती हैं उनका क्या नाम होता है कांड्रोसाइट तो कांड यहां पर किससे यानी यह इसमें पूरी की पूरी हड्डियों के बजाय क्या होगी बेटा उपास्थियां यानी अस्थि नहीं उपास्थियां इसमें होंगी एक थीज का मतलब होता है मछली यानी इसका मतलब है कि इसमें कुछ मछलियां हैं जो कि अस्थि नहीं बल्कि उपास्थियों की बनी होती उपास्थि जैसे ये आपके कान में क्या है ये कान में उपास्थि है ना अस्थि होती तो मुड़ नहीं पाता आप यहां से अपने हाथ को मोड़ पाएंगे नहीं मोड़ पाएंगे क्यों क्योंकि क्यों, क्यों? क्यों? वो अस्थियां हैं उपास्थियों को देखो आप चाहे जैसे मोड़ रखते हो इधर से मोड़ लो इधर से मोड़ लो यहां पर भी उपास्थियां तो इसीलिए मछलियां जो होती हैं वो भाई उनको क्या करना उनको कैसे तैरना है आप देखो ना ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं तो भाई हड्डियां होंगी तो हड्डियां तो इतना ज्यादा फ्लेक्शिबल होंगी नहीं हड्डियां तो इतनी फ्लेक्सिबल होंगी ना आप देखो ना वो कितनी लटक जाती हैं तो इसलिए उन सब में क्या होता है बोलो यस ध्यान से थोड़ा समझेंगे समझ यसेंगे कांड्रो तो कांड्री लिखा देखो कांड्री हालांकि कांड्रो यानी ये पूरा क्या है प्लस एक थीज एक थीज मतलब मछली और कांड्री मतलब कांड्रो यानी चलो आपके देखते हैं हम ये धारा रेखी शरीर के समुद्री प्राणी हैं धारा रेखी ये जिस तरह से धारा बढ़ेगा उस तरह से चले मतलब जिस तरह के धारा इसका तथा इनका अंत कंकाल उपास्थिल होता है ये देखो एक चीज और एंड है ना इनका क्या अंत कंकाल कैसा होता है बेटा उपास्थिल यहां देखो दे आर मेराइन एनिमल्स विद द स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस इंडो मछलियां हैं जो कि धारा के प्रवाह में चलती हैं अभी आप देखेंगे उसी तरीके से बनी एकदम नुकीली यानी इनका जो धारा की तरफ चलेंगी तो धारा को या धारा के विपरीत या धारा के डायरेक्शन में तो इनकी जो होती है वो कैसी होती है एकदम नुकीली होंगी तभी तो आगे बढ़ती हुई जाएंगी अभी देखेंगे मुख अधर पर स्थित होता, होता है वो सामने नहीं होता यानी पेट की तरफ होता है आप ढेर सारी मछलियां देखते हैं पेट की तरफ होता है एकदम सामने नहीं द तो माउथ इज लोकेटेड वेंटली नोटो इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ अब तो नोटोकार्ड इसमें है पूरा नोटोकार्ड एकदम सीधे यानी यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा सीधे नोटोकार्ड है यहां पर चिरस्थाई होता है क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा है ना अपर कुलम से ढके होते हैं क्लोन छिद्र यानी जो क्लोन होता है ना ये क्लोम क्लोम कुलम रहे हो गिल्स अरे मछलियां जो देखते हो मछलियों के अगल बगल यहां पर गिल्स नहीं होते तो वो जो गिल्स होते हैं तो वो अपर कुलम से ढके होते हैं अपर कुलम का मतलब अरे ढक्कन भाई ढक्कन जैसे आप खुल जाता है बंद हो जाता है खुल जाता है बंद हो जाता है खुल जाता है बंद हो जाता है तो वो बस और कुछ नहीं

हाँ ना एक डॉग फिश है आरा मछली ये देखो ये डॉग फिश है देखो मुंह इसका कहां पर है नीचे पर है। इसका मुंह जो होता है इन सबका नीचे होगा एकदम देखो नुकीली है ये इनको देखो वो तो जबड़ा रही थे पेट्रोमाइजन वो उसका है उदाहरण इन दो इनका देखो ये नीचे वाले हाँ तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे देख रहे ना मुंह इसका कहां पर एकदम नीचे वेंट्रली ठीक है तो यही इसमें अपर कुलम नहीं त्वचा तो अच्छा दृढ़ और सूक्ष्म पट्टा सल्कयुक्त तो होती सल्क तो खैर होता ही है जो जैसे मछलियां जब खाते हैं या मछलियां लेने जाते हैं तो वो देखते नहीं उसके ऊपर से स्केल्स ऐसे कुरेद कुरेद के पहले उसको निकाला जाता है बहुत स्केल्स लगे होते हैं ना उसके ऊपर स्केल सल्क बोलते हैं उसको तो ये भी स्केली स्केल्स इसके टफ होते हैं कंटेनिंग माइन्यूट हाँ प्लेक्वाड स्केल्स अब इनके स्केल्स थोड़े सल्क सल्कयुक्त होते हैं पट्टा भी होते हैं मोटे होते हैं पट्टावी दांत पट्टाव सिल के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं ये सब मछलियां हैं सारे के सारे। आप देख रहे हैं लेकिन ये कार्टिलेजिनस मछली है कार्टिलेज वाली है इनमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट दे आर जॉ पावरफुल दे एनिमल्स है ना इस टाइप के हैं दांत वगैरह इसमें बहुत ही खतरनाक हैं आप देख सकते हैं वायु कोष की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते इसमें वायु कोष नहीं होती हृदय दो प्रकोष्ठ वाला होता है जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय यानी यहां पर आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है यस वायु कोष्ठ नहीं होता इसमें एयर सैक जो कि है ना जैसे ब्लेडर होता है ना ब्लेडर जैसे हवा भर जाती तो ऊपर जैसे भाई आप ट्यूब में पानी भर देते हवा भर देते हैं तो वो तैरता है ना हाँ हाँ व्हाइट गोले गोले वही चीज ड्यू टू दप्शेंस ऑफ एयर ब्लेडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू एवॉयड सिंकिंग क्योंकि यह हमेशा इनको क्या करना पड़ता है एक सेकेंड बेटा ठीक है ना तो वही चीजें ड्यू टू देंस ऑफ एयर ब्लेडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू एवॉयड सिंकिंग हर्ट इज टू चैम्बर्ड वन ऑरिकल्स एंड वन वेंटिकल्स एक ऑरिकल तो दूसरा वेंटिकल ठीक है ना गुड नेक्स्ट इसमें से कुछ में विद्युत अंग होते अच्छा इसमें देखो कुछ को विद्युत अंग भी होते समझ में यस yes, विद्युत विद्युत अंग बिद्धुत पैदा करते हैं जैसे तारपीडो की बात करें बेटा तारपीडो तथा कुछ में बिश जैसे ट्राइगोन ये मछली होती है बिश दंस भी होते हैं ये सब असमतापी असमतापी का मतलब क्या है हाँ ये, ये सिंपल सी बात है क्या है थर्मस होते हैं असंतापी मतलब ये कोल्ड ब्लडेड है और कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से ये गर्मी अगर आएगी तो ठंडे वाले इलाके में चले जाएंगे और अगर ठंडी आएगी तो गर्म वाले इलाके में चले जाएंगे बराबर इनका क्या होता है अरे ऊपर नीचे हो जाते हैं भाई जैसे ठंडियों के समय में क्या होगा ये ऊपर की सतह पर आ जाएंगे और गर्मियों के दोनों होता है हाँ इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं जैसे कहा और कुछ में विष होते हैं वो खतरनाक है अर्थात इसमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती राइट बात है अब शरीर को ये तापमान को सेट नहीं कर पाएंगे तो इनको भगना ही पड़ेगा इसीलिए तो माइग्रेशन होता है मछलियों में हम्म hmm. अभी दिख रहा हूं कि नहीं तो इतनी बात आप समझ गए सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स एंड सम समयजन स्टिंग दे आर कोल्ड ब्लडेड यानी एक पोकिलो है अपने हिसाब से रेगुलेट दे है ना लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड है सिंपल सी बात है नर तथा मादा अलग होते अरे भाई जाहिर सी बात अब इतना एडवांस होने पर भी क्या एक ही होंगे हा नर में श्रोण पंख यानी पंख होते हैं पाए जाते हैं निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांशतः जरायुज होते हैं जरायूज का मतलब वीवी पेरस यहां पर देखिए अब ये कुछ ज्यादातर वीवी पेरस यानी अंडे नहीं देते ये सीधे बच्चे देते हैं ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा उदाहरण स्कोलियोडॉन यानी जिसको डॉगफिश बोलते हो आप आरा मछली है ना प्रेस्टिस कारकेरोडॉन और टाइगॉन ये वेल स्वर्ग होती है वेल स्वर्क भी देखो आप नीचे की तरफ क्या होती है उसकी नीचे की तरफ मुंह खुली होती है वो भी सब हां ये सारे के सारे क्या होते हैं कार्टिलेजिन तो सोचो ना इतनी बड़ी सार्क है तो सार्क बेटा तो कार्टिलिजिनस होगी ना हाँ तो ये सारे विशाल सफेद सार्क कार्केनोड ट्राइगोडॉन सबसे डेंजरस जो हैं वो आपको दिखाई दे ही नहीं बड़ी हैं डेंजरस हैं सारी ये देखो ये अस्थिल हैं यानी ये जो आपको दिखाई देना इसमें हड्डियां पाई जाती हैं ये तो समुद्री घोड़ा जिसको आप बोलते हैं हॉर्स है ना क्या बोलते हैं सी हॉर्स बोलते हैं जिसको ठीक है और ये नॉर्मल मछली है जो तो ये सारे बोनी फिशेज हैं ठीक है कार्टेलिज जो कार्टिलिजनस होती है वो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती कार्टिलेज ही होना चाहिए ना वहां पर नहीं तो वो मुड़ेंगी तो बेटा टूट नहीं जाएंगी इतना भारी होगा हाँ नेक्स्ट अब यहां पर आ गया है ऑस्टी ऑस्टियो मतलब क्या होता है ऑस्टियो मतलब क्या होगा ऑस्टियो ऑस्टियोथीज ऑस्टियो मतलब होता है अह बोन की बोन की कोशिकाओं बोन जो होती है यानी अस्थियां किसकी बनी कौन सी कोशिकाओं के बनी मैंने आपको बताया था ऑस्टियोसाइट क्या बताया था ऑस्टियोसाइट तो जाहिर सी बात है ऑस्टियोसाइट के द्वारा बन रही हैं ये तो ऑस्टी बोलते हैं इसको अह ऑस्टियो से ये दोनों मिलके बना ना ऑस्टियो प्लस एक्थीज मैंने आपको बताया था एक्थियोस तो ये दोनों देखिए क्लियर ना तो ऑक्थियोसिड देखिए इस वर्ग की मछलियां क्या होती है लवड़ी एवं अलवड़ी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं इनका अंत कंकाल अस्थिर अब बोनी फिशेज हैं ये ये शरीर धारा रेखित होती है मुख अधिकांशता अग्र सिरे पर होता है मुख जैसे देखो यहां पर देखो मुख आगे है ना उसमें यहां पर था डॉर्सल साइड में नीचे की साइड में था देखो आगे की तरफ है धारा रेखित होती है मुख्य अधिकांश होता है इसमें चार जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं इसमें चार जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं और अपर कुलम से ये क्या होते हैं ढके रहते हैं त्वचा तो ठीक है ना त्वचा तो तो जो है वो सल्क से भी ढकी रहती है अब जानते हो सल्क के अलग अलग प्रकार होते हैं सल्क से ढके होते हैं यहां पर ये देखिए इंक्लूड बोथ एंड फ्रेश वाटर फिशेज बोनी इंडो स्केलेटन बॉडी इज दीम लाइन माउथ इज मोस्टली टर्मिनल यानी एंड पे होता है मोस्टली टर्मिनल दे है ठीक है और स्केल से भी यह ढकी होती है इसमें वायु कोष उपस्थित होता है जो उत्प्लवन में सहायता करता है इसीलिए यह तैरे ना तैरे अपने आप मतलब आगे बढ़े ना बढ़े ये हमेशा है ना तैरती रहती है मतलब डूबेंगे नहीं तो इनमें वायु कोष होता है जो उत्पादन में सहायता करता है हृदय दो प्रकोष्ठों का यहां पर भी उसमें भी दो ही प्रकोष्ठ थे यहां पर भी दो प्रकोष्ठ है उसमें हां एयर एयर सैक सैक नहीं था इसमें यानी आप ब्लैडर बोलते हो इसको एयर ब्लैडर इसमें एयर ब्लैडर है उसमें एयर ब्लैडर नहीं था यह ध्यान रखिएगा एक आलिंद और एक नीले है यह सभी असंतापी सारे के सारे असंतापी होते जिस तरह से वो भी है है ना जो पोइकिलोथर्मस वो था तो ये भी पोइकिलोथर्मस है इसमें भी ऐसा नहीं ये देखिए आप सेपरेट दोनों यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं ये अधिकांशता अंडज होते हैं अब देखो वहां पर अधिकांशता क्या होता था उरोज, है ना वहां पर अधिकांशता देखिए क्या कहते हैं तो वो भी पेरस थे कहां गया बीबी थे जरायुज इसको जरायुज हिंदी में बोलते हैं मैं भूल गया था जरायुज़ को मतलब जो बच्चों को ही जन्म देते हैं सीधे सीधे बच्चे जन्म लेते हैं इसमें गिल्स विच आर कवर्ड बाई ये हमने बताई दिया था यहां पर आई वाय त्वचा निशेचन प्राय वाय त्वचा वाय होता निशेचन अंदर निबार होता जो अंडे अंडे आ, पले सारे आते हैं जैसे मेढक वगैरह में आपने देखा हो क्योंकि मेढक में जैसे बनते हैं ना उसी तरीके से इसमें भी होता है ठीक है उदाहरण जैसे समुद्री एक्सो है ना या इसको बोलते हैं उड़न मछली है ये, जो उड़ती है हिप्पोकैम्पस कैंपस यानी समुद्री घोड़ा अलवड़ी लेबियो रोहू कतला मांगुर जिसको आप बोलते हो कलेरियस मांगुर एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश Sum, पता नहीं मैं नाम भी इन लोगों का मुझे याद थोड़ी है तो ये सारी के सारी मछलियां हम तो ठीक है तो ये ये सारे के सारे होते हैं यहां पर मेराइन भी होती हैं नॉर्मल भी होती हैं दो चार याद रखना ये सी हॉर्स भी है उडन मछली भी है मांगूर रोहू फाइटिंग फिश पता नहीं ये कौन सी फिश है मैं मैं नहीं देखा हूं भाई तो इसलिए एंजल फिश तो ये सारी की सारी फिशेज होती हैं जो जिसमें क्या होती है उड़ती उड़ने वाली मछली अब आते हैं अगले वाले में अगला वाला क्लास क्या है एम्फीबियंस अगले वाले क्लास की बात करें तो अगले वाले क्लास में आते हैं हम लोग एम्फीबियंस में हम लोग कार्डेटा में आ गए तो कार्डेटा में हम लोग अब एम्फीबियंस को यहां पर पढ़ेंगे एम्फीबिया दो शब्दों से मिलकर के बना है आप अच्छी तरह से जानते क्यों भाई दो शब्दों से मिलकर के बना है है कि नहीं एमफी का मतलब होता है ड्यूल यानी दोहरा और बायस मतलब लाइफ एम्फीबियंस तो ऐसा यहां पर देखें जैसा कि नाम से इंगित है MP दो में, दोनों में रह सकते हैं। यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये जल और थल दोनों में रहेंगे अब ये तो पहले से पता है हाना? तो एट द नेम इंडिकेट एम्फीबियंस कैन लिव इन देल एज टेरिस्ट्रियल दोनों में रहेंगे चाहे वो हो चाहिए। गुड, है ना? इनमें अधिकांश में दो जोड़ी पैर होते हैं शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है शरीर शरीर देखो, सरी किस में? तथा में नेत्र वाले होते हैं वाह कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है देख रहे नहीं होता कर्ण पटल यहां पर दोनों के लिए इस तरीके से इतना एडाप्टेशन होता है हां बिल्कुल जल और थल दोनों रखते हैं मेटर देखो यहां पर लिखा है मोस्ट ऑफ देम हैव टू टू ऑफ ऑफ लिम्स, लिम्स यानी चार दो दो आगे वाले पैर दो पीछे वाले पैर है ना बॉडी इज डिविजिबल डिविजिबल इन टू हेड एंड ट्रंक है ना सिर और ट्रंक में यानी सिर और धड़ में बतले होते हैं आप देखो यहां पर लिखा है, कहां लिखा है? सिर तथा धड़ में विभाजित होता है कुछ में पूछ उपस्थित होती है टेल में भी प्रेजेंट इन सम जैसे की अगर बात करें तो उसमें होते द एम्फीबियंस स्किन इज इस मॉइस्ट मॉइस्ट क्यों मौस्ट होती है विदाउट स्केल इस पर स्केल नहीं पाई जाती स्केल्स तो मछलियों में पाई जाती इस पर स्केल्स नहीं इनके अब बोलेंगे फिर कैसे सर मछलियों क्यों कैसे बचे रह जाते हैं क्योंकि ये हमेशा अपने शरीर के बाहर जो है ना हाँ म्यूकस तरह का म्यूस्िल निकालते रहते ये बराबर द आई हैव आई लिड आंख चूंकि भाई पानी में जाएंगे तो नहीं तो पार, सारा पानी आंख में चला जाएगा इसलिए आंख का ढक्कन होता है लेकिन ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना और यहां पर क्या है टिम्पेनम और टिम्पेनम प्रेजेंट्स द ईयर टिम्पेनम यानी टिम्पेनिक टिमपेनिक जो होता है वो तो होगा लेकिन ये बुआह कर्ण नहीं होगा जैसे यहां पर देखिए ये मेढक और दोनों एम्फीबियंस है इसमें देखो सिर और धड़ इसका पूरा सिर धड़ अलग है आंख के ऊपर पलक भी है आप देख सकते हैं यहां पर दो जोड़ी पैर भी है इसमें पूंछ है इसमें पूंछ नहीं तो यही ये बताना चाहते थे आगे देखिए आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ एक प्रकोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं ये देखो यहां पर एक ये है एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड है ना यस का इसको क्या बोलते हैं क्लोएका ओपेन्स द एक्सटीरियर क्लोएका को याद रखना होगा आपको इसको हिंदी में अवस्कर बोलते अवस्कर

नर तथा मादा अलग अलग होते हैं निषेचन वाह होता है ये अंडो है ना अंडोसर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन लार्वा के द्वारा होता है इनडायरेक्ट होता है सेक्स आर सेपरेट फर्टिलाइजेशन इज इन दे आर ओवीपेरस अंड अंडे देने वाले एंड डेवलप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब तो पहले लार्वा होगा फिर उसके बाद बेग शिशु बनेगा लार्वा स्टेज कुछ दिन तक करेगा उदाहरण जैसे ब्यूफो टोंड जो होता है राना टिगरीना जो मेढक है हाला, जो पे उड़ने वाला जो चिपकने वाला ग्रीन रंग का जो होता है है ना सेलामेंडर आपने देख ही लिया एक थियोफिश जो पाद रहित उभयचर होते हैं पाद रहित भी उभयचर हैं जो कि एक है इस टाइप की तो इस तरीके से हाँ आप यहां पर देख सकते हैं अब सरीश्रिप की बात करते हैं यानी सरीश्रिप का मतलब होता है जो रेंग कर चलने वाले है ना जो रेंग कर चलने वाले उसी को हम लोग सरीश्रिप बोलते हैं क्यों भाई हाँ बिल्कुल उसमें भी निषेचन वाह तो है मैंने यहां दिखाया तो निषेचन वाह होता है भाई आप जानते हैं निषेचन वाह का मतलब जो होता है आप देखते हैं ना पले मेढक और मेढकी मेढकी क्या करती हैं वो पूरा का पूरा एक जाल की तरह पूरा का पूरा अंडे दे देती हैं मतलब अंडे पहले से ही वो आ जाएंगे अभी अंड वो अनफर्टिलाइज अंड अंडे होते हैं और फिर उसी के ऊपर जो होता है ना स्पम हो जाता है स्पम गिरा दिया जाता है किसके द्वारा नर तो वो जल में ही जल में ऐसे ही फैले होते हैं उसी में जो होता है निषेचन होता है ठीक है तो ये देखिए पादप रहित होते हैं ये आ, पाद, कुछ पादप रहित भी होते हैं सरीसृप की अगर बात करें हम तो सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा नाम है इसका रेंगने और सरकने के कारण इसको बोलते हैं लैटिन सब सब मतलब होता है ना ये अधिकांशता स्थलीय प्राणी होते हैं जिनका शरीर शुष्क त्वचा तो से ढका होता है शुष्क युक्त तो होता है शुष्क त्वचा तो होती है ऐसा नहीं है कि इस नम, नम होता है इनमें किराटिन द्वारा निर्मित वाह त्वची सल्क तथा प्रशल्क भी पाए जाते हैं किराटीन त्वचा का जो है इसमें वाह कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं कर्ण पटल हाँ छिद्र नहीं पाए जाते कर्ण पतल, वाय कान का करता है, दो जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं सारे में नहीं मैक्सिमम में ये बात कर रहा है, अभी भी इको हो रही क्या अब तो नहीं होनी चाहिए थी बंद तो कर दिया था भाई नहीं बंद हुआ क्या हा? एक ही तो आवाज आ रही अब तो इको नहीं होना चाहिए बेटा ठीक है तो यहां पर देखिए रेपटाइल्स द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मेड मोड ऑफ द लोकोमेशन टू क्रीप और क्रॉल है ना इसका मतलब होता है दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देआर बॉडीज कवर्ड बाई द ड्राई एंड है ना कॉर्निफाइड स्किन मतलब उसका जो स्किन है आप देखें ना किसी का भी जो भी बाहर होंगे रेपटाइल्स भाई छिपकली को ही देख लो छिपकली को देख लो क्या उस पर छिपछिपा होता है क्या ऊपर नहीं ना नमी होती क्या नहीं सूखा सूखा होता है तो वही बोल रहे हैं एपिडर्मल स्केल्स दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर एक्सटर्नल ईयर मतलब ये बाहर वाला जो हम लोगों में ये होता है ये सब नहीं होते ये बाहर कर्ण वाले आप देखो क्या किसी रेप्टाइल्स में ये सब लगे होते हैं ऐसा तो नहीं होता ना बोलो किसी में या आप आपने देखा नहीं थे तो ये रेप्टाइल्स है ना दे डू नॉट एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर लिम्स टिम्पेनम होता है और लिम्स भी होते हैं पैर भी होते हैं कुछ में हो सकते हैं सब में नहीं हो सकते कुछ में है हृदय सामान्य तीन यहां पर भी तीन प्रकोष्ठ में होता है लेकिन मगरमच्छ यहां पर मगरमच्छ को अगर हम ध्यान से देखें तो मगरमच्छ या घड़ियाल इनमें तीन नहीं इनमें चार होते हैं चार कक्ष होते हैं ये ध्यान रखिएगा सरीशिप असमतापी होते हैं यानी सरीशिप असमतापी है सर्प तथा छिपकली अपने सर्क को त्वची केचुल के रूप में छोड़ते हैं कौन सर्प तथा छिपकली छिपकली भी केचुली के रूप में ये छोड़ते हैं लिंग अलग अलग होते हैं निषेचन आंतरिक होता है निषेचन आंतरिक होता है ये सब अंडज होते हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होते हैं यानी अंडज का मतलब होता है कि ये अंडे देते हैं और जो प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि इसमें जो लार्वा वगैरह नहीं बनता अंडे जो बनेंगे अंडे देंगे अंडे के बाद जब निकलेंगे तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे वयस्क हो जाएंगे रेप्टाइल ऐसा नहीं कि जैसे मेढक में क्या होता है एम्फीबियंस में इनडायरेक्ट होता है ना परिवर्तन विकास जो होता है उसमें जो विकास होता है डेवलपमेंट कैसा होता है आप प्रत्यक्ष होता है मैंने यहां पर दिखाया था गया गया इसमें आ, कहां गया? ये देखो डेवलपमेंट यानी क्या डेवलपमेंट कैसा होता है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट है इसमें लेकिन उसमें हमने क्या दिखाया इसमें डेवलपमेंट क्या होगा डायरेक्ट होगा यानी सीधे अंडे से बाहर निकलेगा जैसे टर्टल की बात यानी टर्टल आप समझ ही रहे हैं जो कछुआ कचु, है है ना बड़ा वाला जो कछुआ होता है उसको बोलते हैं छिपकली भी छिपकली भी यहाँ पर देख लो बगीचे की चाय एलिगेटर, एलिगेटर मतलब घड़ियाल जो आप कहते हैं अच्छा क्रोकोडाइल को बोलते हैं एलिगेटर मतलब क्या नहीं क्रोकोडाइल मतलब अच्छा हाँ क्रोकोडाइल गलियार है और वो मगरमच्छ है और ऐसे घरेलू छिपकली भी है जहरीले सांप भी हैं करैत भी है ये सारे के सारे जो होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं हाँ ठीक है तो इस तरीके का हार्ट इज यूजली थ्री चैम्बर्ड बट फोर चैम्बर्ड इन द क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल्स आर है ना देखो सारे के सारे पोकलियोथर्मिक है ना पोकिलोथर्म्स का मतलब होता है कि जो हां स्नेक एंड लीजॉर सेट देयर स्केल्स एज स्किन कॉस्ट सेक्सेस आर सेपरेट सेक्सेस अलग अलग होते हैं फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल दे आर ओवीपेर एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट आप यहां पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल टाटल टाटवाइज ये सारे के सारे आप अगर देखें सब कुछ जो जितने भी आप सांप हैं वगैरह वगैरह चीजों को जो आप देखते हो जैसे सांप है छिपकली है है ना गिरगिट है मगरमच्छ है सब जितने हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं बेटा रेप्टाइल्स में ये देखो सारे आप देख लो यहां पर है ना कछुआ भी है घड़ियाल भी है नाग भी है ई वाली छिपकली भी है आप देख लो सारे के सारे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं हाँ, मोर तो पक्षी हो गया ना बेटा मोर तो अलग हो जाएगा अभी तो हम रेप्टाइल देख रहे हैं ठीक है आ जाते हैं हम लोग पक्षियों में भी आ जाते हैं एवीज बस दो ही बचे हुए दोनों को खत्म कर लेते हैं आज के बाद ये खत्म हो गया बेटा कल हम लोग सारे पर जो है ना एमसीक्यूज करेंगे सारे पर क्वेश्चन करेंगे हम उसको देखेंगे ठीक है कल सारा का सारा लंबा होगा और हम लोग जितना भी क्लासिफिकेशन का सारा का सारा, सारा क्वेश्चन कर ले जाएंगे कल ठीक है हाँ. का मुख्य लक्षण पक्षी वर्ग और क्लास ये दोनों आप देखेंगे एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता एवीज मतलब बर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एवीज आर प्रेजेंस ऑफ फीदर मोस्ट ऑफ है ना फ्लाइटलेस बर्ड उपस्थित उड़ने की क्षमता होती है नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रीर्ग को छोड़कर इनमें है ना ये सब नहीं उड़ पाते कुछ नहीं उड़ भी पाते है ना इनमें चोंच पाई जाती है अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाता है सब जानते हैं आप द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एवीज ऑर द प्रेजेंस ऑफ द फीदर एंड द मोस्ट ऑफ द कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच है इमू है है ना ये सब नहीं उड़ पाते दे पजेज बीक यानी चोंच भी होती है द फोर लिम ऑफ मोडिफाइड इंटू विंग्स फोर लिम जो होता है किस में कन्वर्टेड होता है बेटा विंग्स में विंग्स में कन्वर्टेड हो जाता है आप देखिए फोर लिम्ब जैसे हमारा हाथ है इसका पंख हो जाता है पश्चपाद में सामान्यतः होते होते हैं सल्क इसमें होते हैं इसमें आप अगर कभी ध्यान से देखें जो रूपांतरित होकर चलने तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं त्वचा तो शुष्क होती है पूछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वची ग्रंथि नहीं पाई जाती तेल ग्रंथियां पूछ में पाई जाती बाकी और कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती यह भी ध्यान रखिएगा द हिंड लिप्स जनरली हैव द स्केल एंड आर मॉडिफाइड फॉर द वॉकिंग स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेज आप देखते होंगे कुछ में तैरने जैसे बतख वगैरह की बात करें तो उसमें है ना और तैरने के लिए भी मॉडिफाइड होती है और कुछ में दौड़ने के लिए आप देखेंगी और कुछ में उड़ने के लिए और पकड़ने के लिए होते हैं पंजे पंजों की बात करें उड़ने के लिए तो आगे वाला हो कुछ में पकड़ने के लिए होते हैं अच्छे खासे तो इस तरीके का ये होते हैं स्किन ड्राई होती है इसमें कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती जैसे पसीने वाली ग्रंथ वगैरह इसमें नहीं पाई जाती है यह सब हां इसमें ऑयल ग्लैंड पाई जाती है पूछ के पास तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है और कुछ नहीं ठीक है अंत कंकाल लंबी अस्थियां खोखली अब यहां पर देखिए ये इनके जो कंकाल होती है ना लंबी होती है खोखली होती है तथा युक्त तो होती है इनमें वायु भरी होती है इसके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप तथा पोषणी होती है ना आप यहां पर देख सकते हैं

हृदय चार चैंबर का होता है आप जानते हो यह समतापी यहां पर देख रहे हो होमियोथर्मस होते हैं अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है यह भी समतापी है पक्षी भी इसलिए देखो पक्षी हमेशा होते हैं चाहे ठंडी में हो चाहे गर्मी में हो ऐसा नहीं है कि ठंडी गर्मी में वो नहीं दिखाई देंगे ठंडी में भी दिखते हैं और गर्मी में भी दिखते हैं तो आप समझ लीजिए हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैंबर्ड दे आर वार्म ब्लडेड है ना यानी होम्योथर्मस एक तो है ना पोइकिलोथर्मस थे और दूसरे क्या कौन है एनिमल्स दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी हैचर यानी अपने बॉडी को जिस तरह से हम लोग अपना बना के रखते हैं ना वैसे ये भी रख सकते हैं जैसे ये देखिए सब सारे अब मोर को देखो जो बच्चे ने मोर की बात की थी ये देखो सारे हैं ये सारे पक्षी कुछ ये देखो ये सब उड़ ये दौड़ने वाला है तो दौड़ने की तरह इसका मॉडिफाइड होता है और बाकी ये देख लो ठीक है श्वसन जो होता है वो उसमें फेफड़े होते हैं देखिए रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स एयर सैक जो होता है इसमें जो एयर ब्लैडर्स होते हैं वायु कोष पुप्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण भी करता है उदाहरण के लिए कौआ कबूतर तोता मोर गिद्ध ये सारे ओके सारे के सारे यहां पर अब आ हाँ जाता है लास्ट स्तनधारी स्तनधारियों की हम बात कर लेते हैं में ताकि ये खत्म हो जाए इससे पीछा छूटे हम लोगों का हां तो स्तनधारी स्तनधारी यानी सबसे एडवांस आप जानते हैं यही सबसे एडवांस तो यही है। जितने भी जीव जंतु तो हैं हम लोग यानी क्लासिफिकेशन किया और सबसे फाइनल पहुंच गए हम लोग कहां पर कार्डेटा के कार्डेटा के किस क्लास में आ गए हम लोग कौन सा क्लास है मैमेलिया कार्डेटा में ढेर सारे क्लासेस आप लोगों ने देखे उसमें से ये कौन सा वर्ग है यस yes. इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं ये देखो बेटा सभी जैसे ध्रुवी ठंडे भागों से लेकर के रेगिस्तान जंगल घास मैदान अंधेरी गुफाओं उड़ने वाले पानी में रहने वाले अनुकूल सब जगह पर ये हैं कहां पर नहीं दे आर फाउंड इन द वैरायटी ऑफ द हैबिटेट पोलर आइस क्रॉप डेजर्ट माउंटेन्स फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड द डॉग सम ऑफ देम हैव समेम फॉर द फ्लाई एंड लीव इन द वाटर सब कुछ जल में भी है कुछ यहां पर भी स्तनियों का सबसे मुख्य लक्षण क्या है दूध दु उत्पन्न करना करने वाली ग्रंथ यानी स्तन ग्रंथियां दुग्ध उत्पन्न करने वाली स्तन ग्रंथियां इसीलिए इनको स्तन क्या बोलते हैं इसीलिए स्तन पाई बोलते हैं जिसमें बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं इसमें दो जोड़ी पाद होते हैं जो चलने दौड़ने वृक्ष पर चढ़ने के लिए बिल में रहने के लिए तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूल होते सब कुछ जो होता है इसमें दो जोड़ी होते हैं दो जोड़ी मतलब चार अग्र में बटे होते हैं आप जानते द मोस्ट यूनिक मेमेलियन द प्रेजेंस ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इज द यंग वन आर न्यूट्रस है ना ना न्यूट्रिस्ट सॉरी नरिस्ट नरिश्च किया जाता है इसको नरिस्ट दे हैव टू पेयर ऑफ द लिम्स एडॉप्टेड फॉर द वॉकिंग रनिंग क्लाइंबिंग है ना बोरिंग और स्विमिंग और एक्सेट्रा और क्या इसकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं सबसे बड़ी चीज तो ये क्या है इसकी त्वचा पर ना रोम पाए जाते yes, त्वचा पर रोम पाए जाते एक इसको तो बड़ा करना ही भूल गया मैं। दिख रहा होगा छोटा हो गया मैं चलो इसकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं वह 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 कर्ण पल्लव भी पाया जाता है है ना जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं आप देखे होंगे मसूरों की गर्तिका में लगे होते हैं चार हृदय कोष्ट होता है श्वसन की क्रिया पेशी डायफ्राम से होती है लिंग अलग होते हैं निषेचन आंतरिक होता है कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे जन्म देते हैं और परिवर्धन भ्रूण ऐसा नहीं होता कि मानव अंडे देता है और फिर उसमें से बच्चा लार्वा निकलता है फिर धीरे धीरे प्यूपा में जाता है फिर बच्चा ऐसा तो नहीं ना सीधे सीधे बच्चे तो वो पेरस होता है वही कराएगा द स्किन है ना ऑफ द मैमल इज यूनिक एक्सटर्नल हेयर ऑफ द पिनी आर आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन हो अंदर होता है दे आर वो विपरस एंड फ्यू एक्सेप्स डेवलप इज डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है डायरेक्ट होता है ओके okay? फॉर एग्जाम्पल ये देख सकते हैं ये अगर डकबिल प्लेटिप की बात करें तो ये अंडे देने वाला है। ये तीनों को अगर देखेंगे तो बेटा ये अंडे देने वाला मैमल्स है लेकिन ये बच्चा पैदा तो करता है लेकिन ये पूर्ण परिपक्व बच्चे नहीं होते इसमें इसलिए ये इसमें एक पाउच होती है जिसमें बच्चा रखा जाता है और ये पूरा का पूरा बच्चे को जन्म देने वाले जैसे यहां पर देखें डकबिल कंगारू चमगादड़ भी है ना यहां पर अगर आपको दिख रहा हो ये हल्का हल्का दिख रहा होगा ये वेल भी ये सारे के सारे जो है वो स्तनधारी है उदाहरण अंडरज भी है अंडरज की बात करिए हाँ, रिकश या प्लेटीपस या इसको बोलते हैं अब जरायूज की बात करें तो मैक्रोपस अब यहां पर देखो जरायुज क्या है मैक्रोपस यानी कंगारू टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स मतलब क्या चमगादड़ है ना कैमिलस ऊंट मकाका यानी बंदर रैट्स चूहा, कैनिन कुत्ता है ना, फैसिस यानी बिल्ली, हाथी घोड़ा डॉल्फिन डॉल्फिन भी देखो यही है बेटा, ब्लू बाघ, ये सारे के सारे मैमल्स के अंतर्गत आते हैं ठीक है तो ये सारी की सारी बातें रही है खैर ये आप देखेंगे तो कैसा रहा ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रही इतना ढेर सारा रहा ठीक है ना बस तो यही बातें रही और ये आज ये खत्म हुआ हम लोग कल इस पर ना एम करेंगे लम्बा थोड़ा सा रहेगा कल मुझे लग रहा है एक दो घंटे लगेंगे जिसको हम लोग सारा सारा का सारा कर लेंगे प्लांट वाला बचा हुआ है और एनिमल तो दोनों को हम कर लेंगे ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच Hmm. किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक अब देखो क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं अब मुझे लगता है कि एनसीआरटी पढ़ने का मन बच्चों का नहीं है अब दूसरा कुछ स्टार्ट करता हूं मैं अब एग्जाम भी आ गया है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा सा उसको फोकस करेंगे ओके ओके थैंक यू